एंड नॉट इन्जॉय डूरिंग द बुक वन. सो मैंने लिखा था आई डिड नॉट इन्जॉय, आई डिड नॉट इन्जॉय प्रो ऑफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग, सॉरी. हाँ, प्रूफ रीडिंग में मुझे बहुत डिफिकल्टीज आई थी उस, तो वो मैंने इन्जॉय नहीं करा था, तो मैंने वो राइट डाउन करा था. आप अपना जो आपका बेस्ट मोमेंट था, क्या आपने इन्जॉय करा, क्या आपकी डिफिकल्टीज थी, वो आप अपने हिसाब से लिखिएगा. चलिए नेक्स्ट वीक क्लिक करते हैं. पॉइंट बी में दोस्तों आपको मैंने इंटरफेस दिख रहा होगा. लुक एट द कार्टून बिलो एंड डिस्कस द मैसेज विद क्लास. बेसिकली आपको जो इमेजिन दिख रही है, गेट अराउंड इन इंग्लिश हाउ टू प्रोनाउंस द थ साउंड. ओके, तो बेसिकली आपको कार्टून को डिस्कस करना है अपनी क्लास के साथ, ठीक है. और जो समझ नहीं आता वो फैसिलिटेटर से पूछ सकते हैं. बेसिकली बोलने का तरीका क्या होता है, किसी भी वर्ड को थ द कैसे प्रोनाउंस करना है, वो आपको इजीली फैसिलिटेटर सिखाएंगे, ठीक है. मुझे इसमें बहुत दिक्कत हुई थी दोस्तों, यही आपको क्लास के साथ डिस्कस करना है, और जो नहीं आए वो फैसिलिटेटर से आपको पूछना है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स. पॉइंट सी में ब्रेकिंग अप वर्ड्स. बेसिकली लेसन का नाम है वर्ड स्ट्रेस. तो बेसिकली जब इसमें दिख रहा होगा आपको फर्स्ट वन में पेन मैन कप, तो ये सिंगल वर्ड है पेन, लेकिन जब कुछ बड़े वर्ड आते हैं तो उन पर कुछ जोर दिया जाता है. बेसिकली जैसे गार्डन है, तो यहाँ पे किस पे जोर आ रहा है, गा डन. हो तो हो पे हो स्ट्रेस किस पे आ रहा है, हो पे आ रहा है. हो टल स्ट्रेस आ रहा है, हो टल, ठीक है फ्रेंड्स. तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिन पे जोर दिया, जोर मीन स्ट्रेस. हिंदी में उसको किसी वर्ड पे जोर देना बोलेंगे, इंग्लिश में स्ट्रेस किसी वर्ड पे स्ट्रेस देना. जैसे हेडेक पे स्ट्रेस आ रहा है हेड पे, ठीक है. ऑब्जेक्ट पर आ रहा है ऑब पे. तो ऐसे ही वर्ड्स हैं आपको देखने हैं, आपको डिस्कस करने क्लास के साथ दोस्तों. ऑलराइट, आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. इसी तरह से आपको सारे वर्ड करने हैं दोस्तों. फोकस पर है, एफ और ओ पे फोकस है, इस पे स्ट्रेस आया है. फोकस कार्टून सक टेम पे है, टेम टी ई एम पे स्ट्रेस है. सेप्टेम्बर डी पार्ट पे स्ट्रेस है. डिपार्टमेंट टेलीफोन पे टी ई पे स्ट्रेस है, टी ई पे स्ट्रेस है. कैमरा पे है सी ए पे स्ट्रेस है, कैमरा. ऑलराइट, सैटरडे पे है एस ए पे स्ट्रेस है दोस्तों, सैटरडे. हैमबर्गर पे हम एच यू एम पे स्ट्रेस है दोस्तों. ऑलराइट, ऐसे ही वर्ड्स हैं. कुछ वर्ड्स होते हैं उस पर स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस जैसे स्ट्रेस जोर देना, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों. और फैसिलिटेटर्स आपको सिखाएंगे तो आप इजीली सीख जाओगे, ये थोड़े से हिंट. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है फ्रेंड्स. नेक्स्ट मेरे दोस्तों आपको मेरा इंटरफेस तो दिख रहा होगा, इजी, कुछ इजी है. जैसे कि आप फर्स्ट में देख सकते हो सिंगल सिलेबस है, केक हैव इजी सन, ये सिंगल सिलेबस है, ठीक है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ब्यूटिफुल. ऐसे ही कुछ वर्ड आपको इसमें ब्रेक करके लिखने अपने दिमाग से, और फैसिलिटेटर भी आपको बताएंगे कैसे लिखना है ब्रेक डाउन करके. ये दो सिलेबस का है, टू सिलेबस, ये थ्री सिलेबस का है. तो आपको यहाँ पे जैसे कि इसमें लिखा है कंप्यूटर, कंप्यूटर, ऐसे ही थ्री सिलेबस वाले आपको यहाँ पे लिखना होंगे, ठीक है दोस्तों. ऐसे ही आपको लिखना होगा टू सिलेबस एंड थ्री सिलेबस. ओके, और इफ़ यू फाइंड एनी
एनी ऑफ दीज कन्फ्यूजिंग आस्क योर फैसिलिटेटर टू एक्सप्लेन इट अगेन. ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप फैसिलिटेटर से आराम से पूछ सकते हो, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे. एंड स्पीक विद योर फैसिलिटेटर व्हेन ड्यूरिंग योर फ्री टाइम. कैन यू कम टू द ब्रांच टू वर्क ऑन दिस. ओके, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप क्या एफ ई आके अपने फैसिलिटेटर से ये फ्री टाइम में डिस्कस कर सकते हो, तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो. ये था लेसन नंबर 48 अबाउट द वर्ड स्ट्रेस. आई होप आपको थोड़ा ये समझ आया होगा. अगर समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर कुछ कमी आती है, कुछ आप में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस पर फिर से अच्छे से वीडियोस बना सकूँ. ठीक है दोस्तों. और दोस्तों प्लीज़ लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को इसकी बेनिफिट मिल सके. ठीक है, मैं चलती हूँ नई वीडियो बनाने के लिए. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.